हमने देखा कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाते हुए प्रकाश का अपवर्तन होता है। उसमें एक बात हमारे ध्यान में आई कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, तब वो अभिलंब की ओर छुपती है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब वो अभिलंब से दूर हटती है। सघन माध्यम से प्रकाश किरण जब विरल माध्यम में जाते हैं, तब क्या क्या हो सकता है? उदाहरणार्थ यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रकाश किरण जब पानी से हवा में प्रवेश करते हैं, यहाँ पानी सघन माध्यम है और हवा विरल माध्यम, तो प्रकाश किरण हमें अभिलंब से दूर हटती हुई नजर आती है। इसका मतलब जैसे जैसे हम आपतित कोण बढ़ाते हैं, वैसे वैसे अपवर्तन कोण बढ़ता जाता है। अपवर्तन कोण कितना बढ़ सकता है? तो 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक बढ़ सकता है। तो जब अपवर्तन कोण 90 डिग्री होगा, तब आपतित किरण पानी और हवा की जो सतह है उसे समांतर होगा। लेकिन अगर हमने आपतित कोण इससे ज्यादा बढ़ाया तो क्या होगा? तो हमें ध्यान में आएगा कि पानी और हवा की ये जो सतह है या सीमा रेशा है, वो एक आईने की तरह काम करता है। यहाँ प्रकाश का अपवर्तन न होकर प्रकाश का प्रतिबिंब होते हुए नजर आता है। इस कोण से ज्यादा अगर हम आपतित कोण बढ़ाते हैं तो प्रकाश का अपवर्तन न होकर परावर्तन होता है। इस कोण को क्रांतिक कोण कहा जाता है। इसलिए क्रांतिक कोण से ज्यादा कोण होने से प्रकाश किरण का परावर्तन होता है। इसे संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कहा जाता है। इसका मतलब प्रकाश किरण अब पानी के बाहर नहीं आएगा, लेकिन वो अंदर ही अंदर परावर्तित होता हुआ नजर आएगा।